राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इन दिनों जश्न बचपन नाट्य समारोह की धूम मची हुई है। 14 नवंबर को शुरू हुए इस नाट्य समारोह का समापन 25 नवंबर को होगा। इस साल यह 13वां आयोजन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया है। इस बार कई देशों के नाट्य समूहों को भी बुलाया गया है। विदेशी समूहों को बुलाने का एक फायदा ये हो रहा है कि भारतीय बच्चे और कलाकार दूसरे देशों की सभ्यता से परिचित हो रहे हैं। साथ ही ये भी पता चल रहा है कि दूसरे देशों के नाट्य समूह बच्चों के साथ किस तरह काम करते हैं। समारोह की शुरुआत तुर्की के नाटक गार्बेज मॉन्स्टर से हुई। जश्न बचपन और भारत रंग महोत्सव NSD के दो महत्वपूर्ण आयोजन हैं, जिसकी शुरुआत पूर्व निर्देशक राम गोपाल बजाज के कार्यकाल में हुई थी। जश्न बचपन पूरी तरह से बच्चों के लिए समर्पित है, इसीलिए अधिकांश नाटकों में काम करने वाले सभी पात्र भी बच्चे ही हैं। नोटबंदी की मार झेल रहे इस समारोह में बच्चे बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, जो नाटक देख भी रहे हैं और पूरा आनंद भी ले रहे हैं। कुछ नाटकों में माँ बाप खुद बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में हिंदी नाटकों में दर्शकों की दिलचस्पी ज्यादा है। खासकर काबुलीवाला कहानी पर आधारित पपेट शो और जंगल बुक 2 में दर्शकों की संख्या हाल की क्षमता से अधिक थी। समारोह में स्विट्जरलैंड, इजराइल, श्रीलंका, फ्रांस और पाकिस्तान के नाटक समूहों को बुलाया गया है। देखते रहिए DB Live।